नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कारोबारी अनिल अंबानी एक दशक पहले 42 करोड़ डॉलर की नेट संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन अब हो सकता है कि जल्द ही वो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो जाएं, क्योंकि दलाल स्ट्रीट पर कारोबार बंद होने के वक्त अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 5400 करोड़ रुपए रह गया है। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही अनिल अंबानी अरबपति से कंगाल पति होने वाले हैं, यानी कि अब अनिल अंबानी करोड़पति होंगे। अनिल अंबानी के पास अपने ग्रुप की सभी 6 कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन में 75% स्टेक्स हैं। उनके ग्रुप में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू देखें तो अंबानी भाइयों में छोटे यानी कि अनिल अंबानी की संपत्ति $1 बिलियन से भी कम होगी। कुछ वक्त पहले तक के ग्रुप के पास प्रॉफिट देने वाले म्यूचुअल फंड बिजनेस रिलायंस निपॉन लाइन एसेट्स मैनेजमेंट में एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन कर्ज का दबाव और सुप्रीम कोर्ट की नजर की वजह से इसके पार्टनर को बेचना पड़ा। हाल ही में इसकी वैल्यू 13,500 करोड़ रुपए आकी गई है और ये फंड हाउस अब जापानी इंश्योरेंस दिग्गजों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में है। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल को अपने सभी बिजनेस में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स ने $50 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया का 13वें सबसे रईस शख्स के तौर पर लिस्ट में शामिल किया था और एक दौर में अनिल के पास रिलायंस कम्युनिकेशन में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन कर्ज के दबाव के चलते इसे बेचना पड़ा। वहीं उनकी 3 कंपनियां रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिटर्स ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है और मैनेजमेंट पर सहयोग ना करने और गलत काम करने का आरोप लगाया। पिछले कई तिमाहियों से ग्रुप के डिफेंस बिजनेस की होल्डिंग कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को भी घाटा झेलना पड़ रहा है। इसी तरह पावर जनरेशन बिजनेस रिलायंस पावर भी घाटे में है। रिलायंस पावर 2008 में भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास की सबसे चर्चित IPO थी। इस तरह अनिल अंबानी की घटती दौलत से पता चलता है कि 2008 में उनके पास $42 बिलियन की संपत्ति थी, तब से लगातार उनकी संपत्ति कम हुई है। 2008 के आखिर और 2009 की शुरुआत में वैश्विक मंदी के वक्त उनकी संपत्ति में 75% की कमी आई और 2009 के मध्य तक उनकी संपत्ति घटकर करीब $10 बिलियन रह गई। खास बात यह है कि 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे रईस शख्स थे, जबकि 43 बिलियन की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 5वें नंबर पर कायम थे। फिलहाल मुकेश अंबानी के पास $51 बिलियन की संपत्ति है और फोर्ब्स के रियल टाइम नेट वर्थ इंडेक्टर के हिसाब से अनिल की नेट संपत्ति $1.5 बिलियन है। यह इंडिकेशन किसी शख्स की कुल संपत्ति को पैमाना मानता है, जिसमें लिस्टेड कंपनियों के साथ अनलिस्टेड कंपनियों और दूसरे एसेट्स में उसके सभी स्टेक्स शामिल रहते हैं। इस तरह लग रहा है कि अनिल अंबानी जल्द ही अरबपति से कंगालपति बनने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।